पेट पे पीठ पर भी है अच्छा और थाइस पर भी है। अच्छा वो ये सब मिलाएंगे तो अराउंड 100 हो जाएंगे ऐसा लग। हाँ छोटा बड़ा पकड़ के सब हो जाएंगे सर। तो इस सर्जरी के बारे में कैसे पता चला आपको? मैंने ऐसे यूट्यूब पे सर्च किया था आपकी वीडियोस मिले थे। अच्छा मैं 3-4 साल से देख रहा था कर रहा था करो या तो फिर कैसे मन बना है? बना लिया अभी क्या नहीं, क्या चीज हुआ कि करने की कोई किसी ने बोला कुछ नहीं, नहीं कुछ कुछ कोई घटी है ना वो बढ़ रही थी इसलिए सोचा कि अब करा ही लेता हूँ। तो क्या क्या इसके लिए आपने पहले कुछ ट्राई किया इसको कम करने के लिए? मैं तो ज्यादा कुछ नहीं किया एक बार ये लिया था आयुर्वेदिक का एक लिया था और एक होम्योपैथिक का लिया था। अच्छा कितने दिन? ज्यादा नहीं 6 महीने तो इसलिए ये हो जाते हैं सब बोल रहे थे कुछ कुछ डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर लोग तो फिर वो जब ये दवाई होम्योपैथी लिया उससे कितना इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है वो भी नहीं बोल रहे पता नहीं है अभी तक। ये तो ठीक बताया। तो जब आपने होम्योपैथी लिया तो उससे कितना कुछ फर्क पड़ने लगा इन पे? ऐसा से 3 लाइकोमा से रिमूव कर दिए हैं ठीक है। और सबसे पहले यही आया था क्या? नहीं नहीं ये तो सबसे लास्ट में है लेकिन साइज इसका सबसे जल्दी बढ़ सबसे ज्यादा इसका ही बढ़ा है। और इस पे प्रेशर आता रहता था अभी ये इतना बढ़ गया कि उसके ऊपर से हाथ रेस्ट नहीं हो रहा है उसके ऊपर ही रेस्ट होते थे। अच्छा तो ये निकलने वाला थोड़ा सा अजीब दिखाई लगेगा नहीं कुछ दिन कि कहाँ चला गया ये सपोर्ट? तो ऐसे स्लीवलेस वगैरह मतलब हाफ स्लीव के पहन हुआ थे नहीं पहनता। अच्छा हार्ड भी बहुत हो गया ये इसको ज्यादा मार लगा था क्या? नहीं पूरा हार्ड हो गया लेकिन उसके ऊपर ही ज्यादा ध्यान रहता था मेरा हाथ में। सबसे बड़ा और हार्ड भी बहुत था ये हमने देखिए इस तरह से इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया है पूरे बंच में थे। हिलो थोड़ा सा पता चलेगा ठीक है।